सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने सोमवार को जिस जिला चिकित्सालय में स्थित अपने कार्यालय में टेली मेडिसिन टेली कंसल्टेशन फीता काट कर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस सेवा से दूर दराज के मरीजों को सभी सुविधाओं की जानकारी हासिल होगी, उन्हें जिला चिकित्सालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सीएमओ ने बताया कि अब मरीजों को एक नंबर दिया जाएगा जिस नंबर पर सभी तरह की जानकारी उपलब्ध होगी और इस सेंटर पर 3 डॉक्टरों का सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी करेंगे, जो कि मरीजों को अपनी सेवा देंगे और उनको बीमारी के बारे में सही जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। इस सेवा का शुभारंभ कोविड-19 को देखते हुए शुरू किया गया है, जिससे कि सोशल डिस्टेंस बना रहे और जिला चिकित्सालय पर भीड़ को कम किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, हाँ ये उत्तर प्रदेश सरकार जो निकाल रही है, जाम लग रहा है। हमारी गाड़ी कहीं किनारे करा दो, नियोजन के दस्तक का अभियान बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मिलना चाहते शासन के निर्देशानुसार एक टेली मेडिसिन यूनिट स्थापित करनी थी जिला चिकित्सालय परिसर में, क्योंकि जिला चिकित्सालय में हमारे समस्त स्पेशलिस्ट भी मौजूद रहते हैं, तो उसी का ये जो इनॉग्रेशन हुआ है, ये इसमें हमारे 3 डॉक्टर्स हैं जो MBBS हैं, वो रोस्टर में ड्यूटी पे रहेंगे 8 से 2, 2 से 8 इस तरह से, और उनको अगर किसी का कॉल आता है, इसका कॉल नंबर हम प्रसारित कर देंगे आपके माध्यम से और अखबारों के माध्यम से, जनता अगर कॉल करती है तो वो उसकी बात समझेंगे। अगर वो समझते हैं कि इसमें किसी पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत है, इसमें किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत है या कोई सर्जरी का मैटर है, तो हमारे स्पेशलिस्ट अपना टाइम स्लॉट अलॉट करेंगे, उस टाइम स्लॉट में वो आके उनसे बात करेंगे और उसका नंबर यहाँ नोट हो जाएगा कि हमारे स्पेशलिस्ट साहब अब आप आ गए हैं, अब आप इनसे बात कर लें। यानी कि जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का पर्पज है शासन की तरफ से, उस सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अगर किसी को खाली राय लेने के लिए भीड़ में आके जिला अस्पताल में दिखाना है, तो वो राय उसको यहीं से बैठे बैठे स्पेशलिस्ट की मिल जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हम ये ऑनलाइन ही उसको सारी सुविधाएं देते रहेंगे। अगर किसी को भर्ती होना है, उसकी जांच होनी है, फिर हम उसको सलाह देंगे कि आप चिकित्सालय आएं। हमारी कोशिश है, सभी की शासन की भी कोशिश है कि कहीं पे एकदम से भीड़ ना होने पाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये दो चीज़ें ही एक प्रोटेक्शन का इस समय हमारे पास कोविड से बचाव का साधन रह गया है। उसी कड़ी में आज इसका शुभारंभ हो पूरे ज़िले क्या हेल्थ डिपार्टमेंट में कभी ये नहीं होता कि अगर गोरखपुर में नेपाल का मरीज आएगा तो हम उसको इलाज नहीं देंगे। किसी की भी कॉल आएगी, बेसिकली ये जिला गोरखपुर के लिए बनाया गया है, पर कोई भी सलाह लेना चाहता है, कहीं बाहर से आया है, गोरखपुर में है, उसे ये नंबर पता है, वो सलाह लेना चाहता है तो हम सलाह देंगे, जो उसको इलाज की बात है वो इलाज देंगे, कहीं कोई मनाही नहीं है।